हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपीके सॉफ्ट। आज की हम इस वीडियो के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम ये एप्लीकेशन ASP.NET MVC के अंदर डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हुए बना रहे हैं। सो सबसे पहले हम इसके डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, देन हम इसके कोडिंग पार्ट की तरफ आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बिल्डिंग अ डेटाबेस। सो सबसे पहले मैं अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आ जाता हूँ। यहाँ पर हम एक न्यू क्यूरी लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम डेटाबेस का नाम देंगे, ये डेटाबेस हुई इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसको हमने सेलेक्ट करना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। ये देखिए हमारी कमांड जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। ठीक है, हमने इस डेटाबेस को क्रिएट कर लिया है। अब हम इस डेटाबेस को यूज करते हुए तीन टेबल जनरेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यूज इन्वेंट्री। ये देखिए इसने सजेशन दे दिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी हम इस डेटाबेस को यूज करने वाले हैं। एग्जीक्यूट कमांड सक्सेसफुली, देन हम इसमें टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम देते हैं सबसे पहले टोकन। ठीक है, सबसे पहले आईडी देंगे, आईडी इंटीजर आइडेंटिटी प्राइमरी की, ये हमारी प्राइमरी की होने वाली है। देन उसके बाद प्रोडक्ट का नाम, सो प्रोडक्ट नेम, इसको हम वाचार कर देते हैं, और लेंथ इसकी हम रख देते हैं लेट्स से 50 नल। ठीक, और प्रोडक्ट की हम क्वांटिटी बता देते हैं, क्वांटिटी को हम वाचार रखते हैं, और क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए लेट्स से मैक्सिमम 5 फिगर। ठीक है, ये भी नॉट नल होगी हमारे पास। तो हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल क्रिएट हो गया है। हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कमांड सक्सेसफुली, और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट सजेशन दे दी इसने। सो ये देखिए ये तमाम हमारी फील्ड क्रिएट हो चुकी है। ठीक, इसी तरह हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर हम परचेज का टेबल बनाएंगे। ठीक, परचेज, ठीक है, आईडी इंटीजर प्राइमरी की रहेगी, परचेज प्रोडक्ट के अंदर हम ये देख लेते हैं हमारे पास फील्ड कौन कौन से मौजूद हैं। परचेज प्रोडक्ट है, परचेज क्वांटिटी है, और डेट है। परचेज प्रोडक्ट हमने ये लिख दी, परचेज ओके, परचेज कर देते हैं इसको। परचेज क्वांटिटी, क्वांटिटी हो गई, एंड लास्ट थिंग इज परचेज डेट, यानी किस दिन हमने इसे परचेज किया है। तो हम इसे डेट टाइप करते हैं, नॉर्मल, इसको हमने एग्जीक्यूट कराया, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुल। ठीक, अब इसी को हम कॉपी करते हैं अपने सेल वाले टेबल के लिए, और इसका नाम कर देते हैं सेल।
जहाँ जहाँ परचेज है वहाँ हम सेल कर देते हैं। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारे सेल के मॉड्यूल में क्या क्या है। प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, सेल डेट है, ठीक है। तो हम उसको ओके सेलेक्ट करते हैं एंड देन एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास तीनों टेबल क्रिएट हो चुके हैं। हम इसे विद द हेल्प ऑफ क्यूरी भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट हमने देख लिया था, हम परचेज को देख लेते हैं। परचेज, परचेज के अंदर हमारे फील्ड आ गए। देन सेल, सेल के अंदर देख लेते हैं, हमारी सेल की टेबल आ गई। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह अपने डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर अपने टेबल्स को क्रिएट करेंगे। आज के लिए इतना ही। कीप लाइक एंड कीप शेयर। थैंक यू।